पांचवे टेस्ट में बदलेगी टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी, मैनचेस्टर टेस्ट में उतरेगी नई ओपनिंग जोड़ी। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने चौथा टेस्ट मैच जीतकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है और अब आखिरी और निर्णायक मैच मैनचेस्टर में खेला जाना है। दोस्तों मैच से पहले भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी को लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और मैदान में नई ओपनिंग जोड़ी उतर सकती है। बताएंगे आपको नई ओपनिंग जोड़ी के बारे में, साथ ही आपको बताएंगे कि किस कारण ओपनिंग जोड़ी में बदलाव किया जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप चाहते हो भारत पांचवे टेस्ट में जीत हासिल करके सीरीज पर 3-1 से कब्जा कर ले तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने सिर्फ और सिर्फ 500 लाइक्स का रखा है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम फिलहाल इंग्लैंड के दौरे पर, जहां दोनों देशों के बीच 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली जा रही। मौजूदा श्रृंखला में भारतीय टीम ने 2-1 से अजेय बढ़त बना ली। सीरीज का आखिरी टेस्ट 10 सितंबर से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी निर्णायक साबित होने वाला है। अगर टीम इंडिया आखिरी टेस्ट जीतने में सफल हो जाती है तो इतिहास रच देगी। आखिरी और निर्णायक मुकाबले में बदल सकती है टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी। जी हां दोस्तों, सीरीज के आखिरी टेस्ट में भारतीय टीम में कई बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। इस मैच में कोहली की सेना नई ओपनिंग जोड़ी के साथ भी मैदान में उतर सकती है। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए है क्योंकि श्रृंखला में भारत के सबसे सफल बल्लेबाज आखिरी टेस्ट में प्लेइंग 11 से बाहर रह सकते हैं। उनके अनुपस्थिति में दूसरे दिग्गज बल्लेबाज को पारी की शुरुआत करने का मौका मिल सकता है। श्रृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे केएल राहुल अगले मैच में नए जोड़ीदार के साथ पारी की शुरुआत करते हुए नजर आ सकते हैं। आपको बता दें, इंग्लैंड दौरे पर भारत के स्टार ओपनर रोहित शर्मा इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्हें चौथे टेस्ट की दूसरी पारी में बल्लेबाजी के दौरान घुटने में चोट लगी थी। रोहित के बाएं घुटने में दर्द था और पारी के दौरान भी वह इससे जूझते हुए नजर आए थे। हालांकि रोहित ने अपनी चोट के बारे में बात करते हुए कहा था, अभी तो अच्छा महसूस हो रहा है। फिजियो ने संदेश दिया है कि हर मिनट पर ध्यान देना होगा, ज्यादा आगे की सोचने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर रोहित की इंजरी ठीक नहीं होती है तो उनकी जगह मयंक अग्रवाल ले सकते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।